Hello everyone, welcome back to my channel. It's story time और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक मंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। फिर आज हम एक डोंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। आई थिंक आज हम एक कैंगरू की स्टोरी सुनेंगे? नो नो नो। आज तो हम सुनेंगे एक मॉन्स्टर की स्टोरी, लेकिन डरावने वाले मॉन्स्टर की नहीं, लव मॉन्स्टर की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स ऑल सिंग द स्टोरी सॉन्ग। It's story time, it's story time, time to have some fun. It's story time, it's story time, let's all have some fun. Hey, let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है लव मॉन्स्टर और इसे लिखा और ब्यूटिफुली ड्रॉ किया है रेचल ब्राइट ने। ओह वाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी के रूम में आ गए। और ये कौन है? ये तो है एक छोटा सा मॉन्स्टर। हेलो मिस्टर मॉन्स्टर, हाउ डू यू डू? अब बच्चों, मिस्टर मॉन्स्टर जी तो क्यूट दिखते हैं, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, वो थोड़े से फनी भी दिखते हैं, है ना? अरे वाह, कितने सारे स्टफ टॉयज देखो। यहाँ पे तो बनी भी है और बेयर्स भी है और क्यूट क्यूट कैट्स भी है, है ना? अब हमारे मॉन्स्टर जी जो है वो रहते थे इस प्यारी सी मुलायम स्टफ टॉयज की दुनिया में। अब स्टफ टॉयज की इतनी प्यारी सी दुनिया के बीच में रहने वाले हमारे बेचारे फनी से मॉन्स्टर जी को तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो कहते थे सिर्फ यही लोग क्यूट क्यों, मैं क्यूट क्यों नहीं? अब आपने तो नोटिस किया होगा कि कौन से वाले स्टफ टॉय ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे वही वाले बनीज वाले स्टफ टॉयज, पपीज वाले स्टफ टॉयज और किटन वाले स्टफ टॉयज, वही वाले जो होते हैं कुछ तो मुलायम और कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे। अब मॉन्स्टर वाला स्टफ टॉय तो किसी को नहीं पसंद आता ना? अरे भाई, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं। हाँ, बेचारे हमारे मॉन्स्टर जी। अब वो दिल के बुरे थोड़ी ना, सिर्फ थोड़े से फनी दिखते हैं, है ना? फिर भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता। फिर चलकर देखें अब मॉन्स्टर जी को किसी ने पसंद किया कि नहीं। लेट्स गो एंड सी। मिल गया हमको साथ ही, भूल गया हमसे घर कोई, डर गया डर ले दो। ओह नो, ये देखो बच्चों, बेचारे मॉन्स्टर जी अब उनसे तो कोई भी प्यार नहीं करता, है ना? सारे के सारे बच्चों को क्यूट क्यूट स्टफ टॉयज पसंद आते हैं, लेकिन मॉन्स्टर जी नो 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 नो। इसलिए मॉन्स्टर जी को बहुत बुरा लगता है कि उनसे कोई प्यार ही नहीं करता। अब बच्चों, हमारे मॉन्स्टर जी जो हैं, वो बात को बुरा लगा के बैठ के रोने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। टिटिंग। मॉन्स्टर जी ने सोचा, चलो मैं घर से निकल पड़ता हूँ और किसी ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ जो मुझसे प्यार करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं हूँ। हाँ, अरे वाह, मिस्टर मॉन्स्टर जी तो निकल पड़े एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो सिर्फ उनसे प्यार करे। तो देखिए उन्होंने कैसे ढूंढा। लेट्स गो एंड सी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मेरे लिए कोई ढूंढो। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मेरे लिए कोई ढूंढो। बहुत ही ज्यादा ढूंढा मिस्टर मॉन्स्टर ने। ऊपर भी ढूंढा और नीचे भी ढूंढा, बीच में भी ढूंढा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। उन्होंने अंदर भी ढूंढा और बाहर भी ढूंढा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, बहुत ही ढूंढा। अरे बेचारे मॉन्स्टर जी ने तो बहुत ही ज्यादा ढूंढा। ये कहाँ पहुंचे? ये तो दुकान में पहुंचे। वहां पे भी एक लटका हुआ था मॉन्स्टर इनके जैसे दिखने वाला, लेकिन ये तो प्यार से नहीं देख रहा था।
उन्होंने बोला नो ये तो नहीं है, नो 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 नो। फिर रास्ते में चलते हुए जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें अपनी खुद की परछाई यानी कि शैडो दिखी, तो उन्होंने कहा अरे मिल गया। लेकिन ये तो परछाई थी, कोई स्टफ टॉय नहीं, नो 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 नो। फिर रास्ते में चलते हुए उनको पानी दिखा, जब उसके अंदर झांका उन्होंने तो उन्होंने बोला अरे वाह ये तो मुझे कोई मिल गया। फिर उन्हें पता चला नो 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 ये भी नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी परछाई है। तो बच्चों मॉन्स्टर जी को एक से ज्यादा बार ऐसा लगा कि अरे वाह ये तो मुझे कोई मिल गया जो मेरे जैसे भी दिखता है और मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन नो वो तो कोई और ही निकला। बेचारे मॉन्स्टर जी ने इतनी कोशिश की, इधर भी देखा उधर भी देखा ऊपर भी नीचे भी हर जगह ढूंढा, लेकिन मॉन्स्टर जी बेचारे उनको तो नहीं मिला जिसको वो ढूंढ रहे थे। इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिला कोई भी। इतनी ही देर में ये क्या हुआ, हाँ ये तो बारिश भी शुरू हो गई, छम 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 छम। और बेचारे मॉन्स्टर जी उस बारिश में भी गीले हो गए। बेचारे मॉन्स्टर जी उनका तो ढूंढना बेकार ही हो गया। इतनी देर तक उन्होंने वेट की कि भाई कोई तो आएगा जो मुझसे प्यार करेगा, लेकिन इतनी देर में ये देखो ये तो रात भी हो गई। हाँ जैसे ही रात हुई तो अंधेरा भी हो गया और मॉन्स्टर जी को डर भी लगने लगा। और मॉन्स्टर जी ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं। इतनी ज्यादा रात हो जाने के बाद तो मॉन्स्टर जी ने कहा ओहो अब तो मैं थक चुका हूँ और मुझे कोई नहीं मिल रहा है जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, जैसा मैं दिखता हूँ बिल्कुल उसी तरह मुझसे प्यार करे। अब क्या करूं, चलो ठीक है अब मैं घर ही चला जाता हूँ, अब बहुत हो गया बस। फिर चलकर देखिए अब मॉन्स्टर जी को किसी ने पसंद किया कि नहीं। लेट्स गो एंड सी। मिल गया हमको साथी भूल गया, हमसे घर कोई डर गया, हो हो डर ले दो। वाह वाह ये तो मॉन्स्टर जी बस में चढ़ने लगे। और वाह ये देखो बच्चों जैसे ही मॉन्स्टर जी बस के अंदर चढ़े ड्राइवर मैडम जी कौन निकली, अरे वाह ये तो एक और मॉन्स्टर निकली जो हमारे रेड कलर के मॉन्स्टर जैसे दिखती है। हाँ जैसे ही मिस्टर रेड मॉन्स्टर की आंखें मिली लेडी मॉन्स्टर जी से तो दोनों में हो गया प्यार। हाँ बच्चों अरे वाह फाइनली मिस्टर मॉन्स्टर जी को कोई मिल गया जो उनको प्यार भरी नजरों से देखने लगा। हाँ और फिर आपको पता है सब कुछ बदल गया सच्ची। तो बच्चों कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जब हम प्यार को ढूंढ रहे होते हैं तब हमें प्यार नहीं मिलता, नो 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 नो। लेकिन जैसे ही हम प्यार को ढूंढना बंद कर देते हैं तो सडनली हमें प्यार ही प्यार मिल जाता है। और कैसे आता है वो, पीछे से आता है चुपके से और कंधे पे हाथ रख कर कहता है आई लव यू यू लव मी We are a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।